तो अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं, मेगा लीग विन करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग लगातार टीम बना बना के परेशान हो चुके हैं, लेकिन तब भी आपकी विनिंग नहीं हो रही है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि जो धांसू सीक्रेट मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि भाई आपका भेजा खुल जाएगा ये वाली वीडियो देख के। क्योंकि मैंने कई बार जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैंने जब उनसे डायरेक्ट बात की ईमेल के थ्रू या चैट के थ्रू, क्योंकि वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं तो भाई कहीं ना कहीं उनसे मेरा एक कॉन्टेक्ट बन जाता है, तो उनसे बात होती रहती है। तो भाई आप लोग जानते हो कि ड्रीम इलेवन में जब विनिंग होती है तो भाई जो आपका पैसा आता है सीधा आपके वैलेट में आता है, वैलेट से सीधा बैंक अकाउंट में आता है, इतनी प्रोसेस होती है, उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन वो जो आपका पैसा है वो कितना ही अमाउंट हो, उसको विन करने में, उसको पाने में कितनी मेहनत लगती है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ एक ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिनको आप लोग अगर फॉलोअप करोगे तो फिर ड्रीम इलेवन का नेक्स्ट विनर आप होने वाले हो, ये बात आप नोट करके रख लो। लेकिन कैसे, हाउ, कैसे ये पॉसिबल है? दोस्तों आपको पता है कि ड्रीम इलेवन में रैंक वन कैसे आती है? कैसे आती है? सही कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने से, क्योंकि टीम तो हर कोई अच्छी बना लेता है, लेकिन जिस बंदे ने कैप्टन वाइस कैप्टन सही चुन लिया वही पॉइंट को डबल कर देते हैं, डेढ़ गुना कर देते हैं, और उन्हीं की बदौलत पॉइंट्स हाई होते हैं और रैंक वन पे अच्छा प्राइज भी होता है। तो कहीं ना कहीं मेन मुद्दा कैप्टन वाइस कैप्टन के सिलेक्शन का ही होता है। तो आप लोग दोस्तों कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन का सही चुनाव कर सकते हैं? मान लीजिए आज वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा है, पिच बैटिंग है, तो दोस्तों आप किसको एडवांटेज देंगे? जाहिर सी बात है आप लोग बैट्समैन की तरफ जाएंगे, लेकिन बैट्समैन कई सारे हैं, 5 से 6 ओपनर या बैट्समैन रहते हैं, तो आप किनको प्रीफर करोगे? दोस्तों एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वो ट्रिक क्या है वो तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी ये मत सोचो कि सिर्फ बैट्समैन ही विनिंग कराएगा। कोशिश में ये रहो कि भाई अच्छे बॉलर को भी टीम में लो, उनको भी कैप्टन बनाओ, ऑलराउंडर को भी टीम में लो, उनको भी कैप्टन बनाओ, क्योंकि ये सब लोग मिलके आपको विनिंग तक ले जाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट। तरीकों को जब आप लोग जानेंगे समझेंगे तो भाई आपको जो विनिंग अमाउंट है वो हाई मिलेगी। क्योंकि जब मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, मैंने जब इन चीज़ों को सीखा, तो भाई मुझे कहीं ना कहीं मालूम चला, मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि ड्रीम इलेवन से विनिंग इसी लेवल से होती है। लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, कितना ही प्रयास कर लें आप लोग दोस्तों इनकी स्ट्रैटेजी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर भाई आप लोग विनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बड़ा एक नुकसानदायक साबित होने वाला है और आप लोग कई तरीकों से यहाँ पे दोस्तों लॉस का फेस कर पाएंगे। तो इन बेसिक्स को, इन जानकारियों को आपको ही दोस्तों समझ के चलना है, आपको माइंड में रख के चलना है कि आप लोग इन वजहों से, इन तरीकों से कैसे आप लोग प्रॉफिट कर पाएंगे। और अगर इन बेसिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं, इन तरीकों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप लोग दोस्तों किसी भी तरह से विनिंग नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेटजी मैटर करती है, ट्रिक मैटर करती है, मेहनत मैटर करती है। ड्रीम इलेवन में सिर्फ टीम बना के सो जाना इनफ नहीं है, ड्रीम इलेवन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग प्रॉपर टाइम नहीं दोगे, टीम को एनालाइज नहीं करोगे, आप लोग विनिंग नहीं कर पाओगे। तो इन जानकारियों को समझो, होपफुली आपको हेल्पफुल लगी होंगी। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।